हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बडी। दिस इज जनरल नॉलेज पार्ट वन। इसमें आपको 25 जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में हर तरह से इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो आपको बता दें कि भारत की अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है वो है चावल। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट कितने के बराबर होती है? तो 1024 बाइट होता है 1 KB के बराबर, यानी कि इसका आंसर होगा डी। वहीं आपको बता दें कि 1024 KB में 1 MB होता है, 1024 MB में 1 GB होता है, 1024 GB में 1 TB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का जो पूर्ति करता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और दूसरी बात ये हुई कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, क्या चीज़ खाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा? तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल खाने से, या फिर आप केला खा सकते हैं, केला खाने से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की कब शामिल की गई? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 1976 में। आंसर होगा बी, 1976 में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होती है वो कहलाती है लेसर, यानी कि इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरल संक्रमण से जो रोग होता है वो होता है हमारा जुकाम। और आपको पता ही होगा कोरोना जो बीमारी आजकल फैला हुआ है वो जुकाम का ही एक प्रजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम धारा पाई जाती है, ब्राज़ील धारा पाई जाती है, कैनरी धारा पाई जाती है, परंतु पीरू धारा नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, पीरू धारा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए थे, कहाँ हुए थे तीसरे राष्ट्रमंडल युवा खेल? तो वो हुआ था हमारा पुणे में, यानी कि इसका आंसर होगा ए, पुणे में। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है वृष्टि। वृष्टि के कारण अधिकांशतः फसल नष्ट होने लगते हैं। कौन सी नदी ज्वर नदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी में जो ज्वर उसका होता है वो नदमुख होता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, चरक किस दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में एक प्रमुख चिकित्सक थे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सांची का महान सपूत कहाँ है? सांची का महान सपूत है मध्य प्रदेश में। आंसर होगा बी। और आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर जिला है वो प्रसिद्ध है सोना के लिए, वहाँ पे अधिकाधिक मात्रा में सोना मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है? आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील एक ऐसा तत्व है जो अनेक प्रकार के तत्वों को मिला के बनता है, जिसमें आयरन, क्रोमियम, निकेल इत्यादि बहुत सारे तत्व मिले हुए होते हैं, परंतु उसमें टंगस्टन नहीं होता है। इसका आंसर होगा बी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वायु मिश्रण होता है, गैसोलीन में मिश्रण होता है, LPG गैस में मिश्रण होता है, परंतु आसुत जल में मिश्रण नहीं होता है। अगर आपको चेक करना हो तो आप जान लीजिए कि आसुत जल वो जल होता है जो पानी गर्म करने के बाद जो भाप निकलता है वो होता है, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितना वर्ष की होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु की सीमा कोई नहीं होता है, इसका आंसर होगा डी, वही न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि आंसर होगा बी। रक्त ए बी माइनस ग्रुप वाला किस रक्त समूह वाले को रक्तदान कर सकता है? ए बी माइनस ग्रुप वाला केवल ए बी समूह वाले को ही रक्तदान कर सकता है, अन्यथा किसी को नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संसाधनों का प्रयोग निरंतर किया जाता है वो संसाधन होता है नवीकरणीय संसाधन, आंसर होगा डी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? 1959 के पहले पाकिस्तान की राजधानी थी कराची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फेरा FERA फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का स्थापना का स्थान किसने लिया? तो फेरा का जो स्थान है वो ले लिया है फेमा ने, FEMA ने। FEMA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका आंसर होगा ए। दरअसल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी इसमें गलती हुई हो प्लीज़ कमेंट में इसको हमें बताएं। थैंक यू।